News 18, India. किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बात चल रही है और जल्द ही हल निकलने की उम्मीद है। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है। पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। तीसरी बार बातचीत हुई है और कल के बातचीत में कई बातें सामने आई। सामने आने के बाद में जो विषय लाए गए उस पर हम सब ने गंभीरता से चर्चा भी किया, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत का क्रम जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाधान के रास्ते पर हम पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने 370 हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद 370 इतिहास के पन्नों में खो गया। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। और इधर संदेश खाली हिंसा मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर महिला उत्पीड़न की घटना पर चिंता जाहिर की है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने लिखा है कि संदेश खाली में तनाव, हिंसा चिंतनीय है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से निष्पक्ष होकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग कर दी है। मायावती बसपा सुप्रीमो है। उनका ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव, हिंसा अति चिंतनीय है, ये मायावती ने लिखा। रेवाड़ी में मंच से एक बार फिर पीएम मोदी ने दुनिया में भारत की बढ़ रही साख का जिक्र किया और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद भी जताई। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण है। ये आपके आशीर्वाद का कमाल है।
मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती है, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था, और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने 8 किलो का बम बरामद कर लिया और इसके बाद उन्होंने उस बम को धमाका करके नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 222 बटालियन के जवानों को निशाना बनाने के लिए बम को जमीन में छिपाकर रखा हुआ था। चेरपार और पालनार के बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने भारी भरकम उस बम का पता लगा लिया और उसके बाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी के पूर्व मंत्रियों के फैसलों की समीक्षा करेगी। तेजस्वी के अलावा पूर्व मंत्री रामानंद यादव, ललित यादव की मंत्री रहते किए गए कार्यों और उनके विभागीय फैसलों की समीक्षा होगी। समीक्षा के दायरे में पिछले 10 महीने के 6 विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ परिवहन विभाग, नगर विकास और आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्य शामिल हैं जिनकी समीक्षा होगी। तो बीजेपी ने भी आरजेडी के विभागों की जांच का समर्थन किया है। जाके कह दे कोई, जाके कह दे कोई सोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बहुत तैयारी से। लालू जी, तेजस्वी जी, डबल के फूल की तैयारी इस बार बहुत बड़ी है। अब आपके दरवाजे का कोई अस्तित्व नहीं बचा, वो खुला रहे बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर खुला रखेंगे तो लोग आपको छोड़ छोड़ कर भागेंगे। अपने दरवाजे को संभालिए, अपने दर को संभालिए, अगल बगल झांकना बंद करिए। अभी समय आपका और बुरा आने वाला है, जनता आप